वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर जावेद सर। आइए आज हम जाने हम कैसे टॉपर बन सकते हैं, 100 out of 100 मार्क्स हम कैसे हासिल कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में, किसी भी सब्जेक्ट में। एग्जाम का डर जो एक मानसिक भ्रम है, वो हमारे अनजानपन से और आयोजन के अभाव से पैदा होता है। इन दो हथियारों से ही हम डर को दूर भगाएंगे और फिर हमें कोई नहीं रोक सकता टॉपर बनने के लिए और 100 out of 100 मार्क्स लाने के लिए। स्कूल का कोर्स कंप्लीट हो जाए, स्कूल का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उस वक्त से लेकर एग्जाम के दिन तक के समय को 4 विभागों में विभाजित किया है। आइए हम समझ लें इन 4 विभागों में हमें क्या करना है, कैसे करना है। आइए हम देखें समय को हमने किस 4 विभागों में विभाजित किया है। पहला जो एग्ज़ाम की डेट है, टाइम टेबल है, वो है उसके 24 दिन पहले हमें क्या करना है, उसके भी 24 दिन पहले हमें क्या करना है, और उसके पहले जो स्कूल ट्यूशन का कोर्स कंप्लीट हो जाए तब हमें क्या नहीं करना और क्या करना है वो सोचना है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम देखें SSC 10th का टाइम टेबल, जो 10/5 को एग्ज़ाम होने वाली है। शायद टाइम टेबल चेंज भी हो सकता है। पहली एग्ज़ाम गुजराती प्रथम भाषा इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज की है। 10 तारीख को एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, इसलिए हमने इसके 9th मई से लेकर 6th मई 9, 8, 7, 6 उल्टी गिनती करेंगे। 5, 4, 3, 2 1st मई, इस तरह 30 अप्रैल, 29, 28, 27, 26, 25, 24 इस तरह हम सब सब्जेक्ट को डेट दे देंगे, 4-4 दिन देंगे। और अगर हमारे पास वक्त है, अगर एग्ज़ाम आगे गई तब हम और भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने 11, 10, 9, 8 इस तरह 4-4 दिन दिए हैं, लेकिन हमारे पास ये मार्च महीना ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम समझेंगे 12 तारीख से स्टार्ट करेंगे हमारा रिवीजन। 12, 13, 14 को हम कंप्यूटर थियोरी करेंगे, 15 को हम एग्ज़ाम का पेपर लिखेंगे, इस तरह 16, 17, 18 को हम इंग्लिश करेंगे, 19 को पेपर लिखेंगे, और इन 3 दिन तक हम गुजराती और हिंदी करेंगे, 23 को पेपर लिखेंगे। इस तरह हम पहले 3 दिन सब्जेक्ट का अभ्यास करेंगे, रिवीजन करेंगे, और लास्ट डेट को हम पेपर लिखेंगे। इस तरह हम सब सब्जेक्ट में करेंगे, और हम जब लास्ट डेट को आएंगे उसके दूसरे दिन हमारी एग्ज़ाम होगी, हम फ्रेश से एग्ज़ाम दे सकेंगे क्योंकि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी होगी। इस तरह हम 12th स्टैंडर्ड का भी देख सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड HSC बोर्ड का टाइम टेबल है, यहाँ पर भी 10/5 को मंडे को अकाउंट के एग्ज़ाम होने वाली है, इसलिए मैंने 9, 8, 7, 6 अकाउंट के लिए दिया है। स्टैटिस्टिक के लिए 4, 5, 3, 2 इस तरह, इकोनॉमिक्स के लिए 1, 30 अप्रैल, 29, 28 BA के लिए 27, 26, 25, 24 इस तरह हर सब्जेक्ट में 4-4 दिन दिए हैं। अगर हमारे पास वक्त होता तो और भी 24 दिन हम 4-4 दिन लेकर कर सकते थे रिवीजन, लेकिन मार्च महीना हमारे पास से चला गया है, तो हम 12 तारीख से 12 अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं। 12, 13, 14 को हम कंप्यूटर करेंगे, 15 को पेपर लिखेंगे, 16, 17, 18 यह HSC बोर्ड का टाइम टेबल है। 10 मई को पहली अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम है, नामना मूल तत्व, इसलिए मैंने 9, 8, 7, 6 डेट अकाउंटेंसी के लिए दी रखी है। इस तरह हम उल्टी गिनती करेंगे, 4-4 दिन हर सब्जेक्ट को देंगे, 4-4 दिन हर सब्जेक्ट को देंगे। और अगर हमारे पास वक्त है, अगर एग्ज़ाम आगे गई तो और भी हम 4-4 दिन आगे ले लेंगे। इस तरह मैंने मार्च महीने का लिखा है, लेकिन मार्च महीना कम्प्लीट हो चुका है, तो हम 12 अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं। 12, 13, 14 को हम कंप्यूटर करेंगे, 15 को पेपर लिखेंगे, 16, 17, 18 को हम गुजराती या इंग्लिश द्वितीय भाषा सेकंड लैंग्वेज करेंगे, और 19 को हम एग्ज़ाम का पेपर लिखेंगे। इस तरह 20, 21, 22 को हम गुजराती या इंग्लिश करेंगे फर्स्ट लैंग्वेज, 23 को पेपर लिखेंगे, 24, 25, 26 को हम BA करेंगे, 27 को पेपर लिखेंगे, 28, 29, 30 अप्रैल तक हम इको करेंगे, 1 मई को हम एग्ज़ाम देंगे। इस तरह 3, 2, 4 डेट को हम स्टैटिस्टिक करेंगे, 5 को पेपर लिखेंगे, 6, 7, 8 को अकाउंटेंसी करेंगे रिवीजन, 9 को हम पेपर लिखेंगे। इस तरह हम
एग्ज़ाम का दिन तक पहुंच जाएंगे फ्रेश माइंड से, और पूरा रिवीजन कंप्लीट करने के बाद हम अच्छा पेपर लिख सकेंगे। मान लो हमारे पास 16 लेसन है एक सब्जेक्ट के लिए, और एक सब्जेक्ट के लिए हमने 4 दिन दिए हैं, 16 डिवाइड 4 करेंगे तो हमारे पास एक सब्जेक्ट के लिए 4 दिन मिलेंगे। इसलिए हमारे पास एक सब्जेक्ट के लिए 4 दिन होंगे, और एक दिन के हमारे पास 12 आवर्स 12 घंटे होते हैं। इन 12 आवर्स डिवाइड 4 लेसन्स करें तो हम एक लेसन पर 3 घंटे रिवीजन कर सकते हैं, और हमें इन 3 घंटों में रिवीजन करना ही होगा, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले ही कटना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें 3 घंटे में कंप्लीट करना है एक लेसन को। अगर लेसन छोटा या बड़ा हो तो हम टाइम का एडजस्टमेंट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। आपने एक स्पाइडर की कहानी सुनी होगी, मकड़ी की कहानी, जो कई बार चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, कई प्रयत्नों के बाद वो अपनी मंजिल तो पा लेती है। मुझे ये मंदबुद्धि मकड़ी पसंद नहीं, कोई मैनेजमेंट ही नहीं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एनर्जी का, समय का, संजोग का, सबका मैनेजमेंट करेंगे और एक ही प्रयत्न में, पहले प्रयत्न में मंजिल पा लेंगे टॉपर की। अगले वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस फ्यूचर।